क्वेश्चन नंबर 27 तो डायरेक्ट प्रूफ करने का है, एनसीईआरटी में यूके में क्वेश्चन है वो, और 28 कर लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, तो ये इक्वेशन है 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसका एक रूट हमें 2/3 दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा जो है वो 2/3 गिवन है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, एक तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें अदर रूट जो बीटा है वो फाइंड करना है। तो ये जो अल्फा वैल्यू है ये इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू है, तो हम एक्स की जगह इसको पुट करा देते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पुट करेंगे 3 × 2/3² प्लस पी इंटू 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0, 2² 4 और बाय में 3² 9, और यहाँ पे जो 3 इंटू में है इससे ये कैंसिल होके 3 बन जाएगा, और ये प्लस में 2/3 पी हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4/3 और 4 को ऐड कर देते हैं, 4/3 और 4 का एलसीएम जो है 3 हो जाएगा, इसके ऊपर 4 ही आएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12, और प्लस में ये 2/3 पी है इक्वल टू 0, तो ये हो गया 12 प्लस 4 16, तो इसको उधर भेजेंगे तो 2/3 पी इक्वल टू हो जाएगा -16/3, ये टर्म उधर चली जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से भी 16 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई -8। नाउ इसे अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी 3x², और ये -8 यहाँ p की जगह पुट होगा, तो -8x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का एक रूट हमारे पास है, दूसरा रूट हमें चाहिए, तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते हैं। दोनों वैल्यू आएंगी एक्स की, उसमें से एक अल्फा हो जाएगी और दूसरी हमें बीटा फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई में 3 × 4 दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हमें 12 चाहिए, 3×4 = 12, और सम जिसका जो है 8 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जो हैं हो जाएंगे आपके 6 और 2, 6 × 2 जो है 12 होता है, और 6 + 2 8 होता है, तो 3x² माइनस 8 की जगह हम रख सकते हैं 6 + 2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से पुट करके करेंगे तो हमें साइन का जो है वो, कुछ बच्चों को साइन की गड़बड़ हो जाती है, तो अगर आप सिर्फ 8 की जगह पुट कराओगे तो जब खोलोगे तो ऑटोमेटिकली साइन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, और इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाएगा x, और माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, जो न्यू 0 आया है वो ये हो गया 2, इसको हम बीटा इक्वल टू 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अदर जीरोज आ गया और ये p की वैल्यू आ गई, एंड इसका ये और पार्ट है, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें x² माइनस 5x प्लस 3 × k - 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, और बी यहाँ होता है x का कोफिशेंट और a होता है x² का कोफिशेंट। तो x² का यहाँ पे कोफिशेंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो
x का कोफिशेंट माइनस फाइव यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस माइनस फाइव और बाय में a की वैल्यू 1 है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो बचा 5 तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारा 5। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कैसे रिलेट करेंगे अल्फा और बीटा से, ये मानी जाती है टर्म c, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बाय a, ये दोनों फॉर्मूले हैं ये और ये। तो यहाँ c क्या है 3 into k minus 1 और अपॉन में a तो 1 ही है, इक्वल टू में अल्फा इंटू बीटा। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो हम यहाँ पुट करा के और सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा 0, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और ये 5 प्लस 1 6, तो अल्फा आ गया 6 बाय 2, अल्फा हो गया 3। नाउ ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करा देते हैं सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, 3 को उधर भेजेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3, बीटा आ गया हमारा 2। नाउ ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा इससे, तो k माइनस 1 आ गया 2 और माइनस 1 अगर इधर आएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 3, ये हमारा आंसर है।